नॉर्थ फेस एक ऐसी मूवी जो स्विट्जरलैंड के एक बहुत खतरनाक पहाड़ की क्लाइंबिंग पर मबनी है। मूवी के शुरू में 1936 के टाइम का एक न्यूज ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में क्लाइंबर्स को इकट्ठा करने के हवाले से डिस्कशन किया जाता है। अब अगली सुबह क्लाइंबर्स माउंटेन के नीचे कैंप लगाते हैं। एंडी और टोनी रात के वक्त क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। उनके पीछे पीछे दो और क्लाइंबर्स भी आ जाते हैं। कुछ सफर तय करने के बाद उनको भयानक स्नो तूफान का सामना करना पड़ता है। उनको रास्ते में मरे हुए क्लाइंबर्स की डेड बॉडीज भी मिल जाती है। टोनी का एक ग्लव अपने दोस्तों को बचाते हुए गिर जाता है। उसका हाथ सर्दी की वजह से काम करना छोड़ देता है। अब वो क्लाइंबर्स बहुत ज्यादा तूफान की वजह से ऊपर चढ़ने की बजाय पहाड़ों के बीच जो ट्रेन ट्रैक होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद लुईस अपनी दोस्तों को देखती है लेकिन उनकी मदद नहीं कर सकी। इस तरह चार क्लाइंबर्स में से तीन क्लाइंबर्स अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब सिर्फ टोनी जिंदा है लेकिन वो भी पहाड़ के दरमियान रस्सी से बंधा हुआ है और वही बंधे बंधे अपनी आखिरी सांसें ले लेता है। आखिर में लुईस को दिखाया जाता है जो कई साल गुजरने के बाद भी अपने दोस्तों को याद कर रही होती है। हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखें।